हेलो वेलकम सर एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, आज की एक नई क्लास में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाले वो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का भूगोल जो है वो भूगोल का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन। हमने विकास संसाधन और उसका विकास पढ़ लिया है, और फिर वन एवं वन्य जीव संसाधन, और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। देखिए, जल एक ऐसा संसाधन है, जल प्रकृति द्वारा एक ऐसा मूल्यवान दिया गया उपहार है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पानी ना होता तो हम जिंदा होते? अगर पानी ना होता, केवल पानी पानी तक ही सीमित नहीं, पानी पेड़ पौधों को दिया जाता है तो पेड़ पौधे जो है फल सब्जियां उगाते हैं तो हम लोग खाते हैं, या पेड़ पौधे को जानवर खाते हैं फिर उनका मांस हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं जल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जल ही पर हमारी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन टिका हुआ है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि जल का हम लोग को कैसे उपयोग करना है, जल को हमें संचय करना कैसे करना है, जल का हमें संरक्षण कैसे करना है, जल को हमें बचाना कैसे है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जल का उपयोग कर सके। तो जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक मूल्यवान उपहार है जिसके द्वारा आप इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी का लगभग 3 हिस्सा, ये आप वो अपनी पृथ्वी मान लीजिए, इसको 4 भागों में विभाजित कर दीजिए, ये 4 भागों में विभाजित करिए तो ये केवल एक हिस्सा ही जमीन है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, बाकी ये पूरा 3 हिस्सा क्या है, पूरा 3 हिस्सा ये जल है। अब आप कहेंगे कि सर, इतना सारा पानी हमारी धरती पर है, फिर भी आप क्यों करें कि पानी को बचाइए, पानी कमी, ये बात ये नहीं, पानी ज्यादा तो है, लेकिन इसमें देखिए लगभग 96.5 यानी कि लगभग 97% पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी क्या है, समुद्र में खारे पानी के रूप में है, उसे आप पी नहीं सकते। केवल जो है वो 2.5% पानी, वो मीठा पानी जो पीने लायक है हमारे लिए, केवल 2.5% पानी हमारे पीने लायक है। इसमें से भी कुछ अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ के रूप में जमी हुई है, इसका मतलब बहुत ही कम हमारे लिए पानी इस धरती पर उपलब्ध है। भाई, इतना ज्यादा पानी, लगभग 97% पानी क्या है, वो समुद्रों में है। समुद्रों में मतलब खारे पानी के रूप में, आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसे पी नहीं सकते। ठीक, केवल हमें ये 2.5% पानी पीने लायक है। तो कुल मिला के पानी हमारे लिए एक ऐसा संसाधन है जो जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी के बिना हमारी धरती का 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा केवल स्थल मंडल है, लेकिन फिर भी क्योंकि लगभग 97% पानी क्या है, वो समुद्र में खारे पानी के रूप में, केवल 2.5% पानी हमारे पीने लायक है। देखिए, एक टर्म आता है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता, हमने कल आपको दुर्लभ प्रजातियां बताई थी। दुर्लभ प्रजातियां मतलब जो बहुत ही मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगी, वो उनकी संख्या कम हो गई है। ऐसे ही जल दुर्लभता का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। पानी की कमी को ही आप क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे। पानी की कमी को आप जल दुर्लभता नाम देंगे। जब किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में पानी की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। जब कहीं पर पानी की कमी हो जाती है उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। अब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे जल दुर्लभता होती है, जल की कमी आती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे जल दुर्लभता आती है, जिससे जल में कमी आती है, तो वो कारण हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। सबसे पहला कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए वो जल के कम होने का प्रमुख कारण है। भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की मांग भी बढ़ेगी। पहले 10 लोग पानी पीने वाले थे, अब 100 लोग हो गए, तो पानी की खपत ज्यादा हुई कि नहीं। तो जब किसी एक देश की, किसी एक एरिया की, किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसके साथ ही जो है वो पानी की डिमांड, पानी की मांग में वृद्धि होती है, और जब पानी की मांग में वृद्धि होगी तो पानी का कंज्यूम ज्यादा होगा। इससे पानी की जो मात्रा है वो घटेगी कि नहीं घटेगी? तो जल दुर्लभता या पानी की कमी का सबसे पहला कारण क्या है, वो बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण है। दूसरा क्या हो गया, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग मतलब क्या, अब आपके जो है वो गांव से बह रही है क्या,
नदी या नहर बह रही है, तो आपने अपने खेत में उस खूब ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, या आपके पास नलकूप है, खूब ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, ठीक। तो जितना ज्यादा आपके पास साधन रहता है जल संसाधनों का, उतना ही ज्यादा आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अत्यधिक दोहन, मतलब कि बिना वजह, जरूरत नहीं, फिर भी जो है आप जो है, पता चला कि आपके घर मोटर लगा हुआ है, जबरदस्ती जो है पानी की आपको जरूरत नहीं है, एक गिलास ठंडा पानी निकालने के लिए नलकूप है आपके, 5 गिलास जो है वो गर्म पानी या वैसे चलाते हैं, ताकि कुछ देर ठंडा चलाने के बाद ठंडा पानी आ जाता है, ताकि कुछ देर बाद ठंडा पानी आ जाए, तो पहले का पानी नुकसान हुआ, खराब हुआ कि नहीं। तो जो हमारे पास जल संसाधन है, नलकूप हो गया, तालाब हो गई, नहरें हो गई, नदियां हो गई, इन सबका हम अत्यधिक दोहन करते हैं, अपने हिसाब से ज्यादा इनका प्रयोग कर रहे हैं। तभी देखिए जगह जगह लिखा रहता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अगर आपके पास जल नहीं रहेगा तो आप समझिए आपका कल जो है वो बेकार है। तो जल दुर्लभता का सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा कारण है जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन। और देखिए क्या है, शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन, शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन। अब इसका उदाहरण आप कैसे लीजिए, इसे घर साफ करने के लिए खूब ज्यादा पानी का उपयोग किया जा रहा है, मोटर वोटर लगे हुए हैं घर में, तो जो है पता चला चला दिया रहा, दिन भर पानी बह रहा है, तो ये सब शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर अधिकतर पानी का दोहन होता है शहरी क्षेत्रों में। और क्या है, उद्योग में पानी की अधिक खपत, उद्योग में पानी की अधिक खपत का मतलब पानी से तमाम चीजें बनाई जा रही है उद्योगों में, जैसे आप पेप्सी उप्सी ये सब तमाम चीजें देखिए, तो उद्योगों में भी पानी की अधिक खपत है। आप अधिक सिंचाई कह लीजिए, सिंचाई के लिए पानी का ज्यादा प्रयोग किया जाना, ये भी एक कारण है किसका, पानी की कमी होने का। तो सबसे पहला कारण यह कि बढ़ती जनसंख्या, दूसरा कारण है कि जल का अत्यधिक दोहन, शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन, अधिक खपत उद्योग में, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई या बारिश ना होना, ये तमाम कारण है पानी की कमी का। जल दुर्लभता मतलब पानी की कमी है, पानी की कमी को ही क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता के अनेक कारण हो सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है, अत्यधिक सिंचाई के लिए पानी का उपयोग होना, बारिश का ना होना, वर्षा का ना होना, या पानी का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की अधिक खपत। अब आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं का मतलब क्या, बहु माने होता है बहुत ज्यादा, अधिक, उद्देश्य माने लक्ष्य, तो जिन ऐसे उद्देश्य, ऐसी योजनाएं जिनका उद्देश्य बहुत सारा होता है, जैसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने साधना, तो ऐसे ही एक योजना आप लाइए जिसका उद्देश्य बहुत सारा हो, जैसे बांध, नदी पे बांध बनाया जाता है, इसके एक उद्देश्य नहीं होते, देखिए कितने सारे उद्देश्य होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बहुत सारी, जिसके उद्देश्यों से क्या कहा जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाएगा। जैसे बांध हमने बनाया नदी पे, बांध से क्या होता है, बांध से लाभ नंबर एक, बांध से जब आपने बांध लगा दिया तो गांवों में नहर खुदवा दी, तो उससे गांव में पानी चला जाता है, जिससे सिंचाई हो जाती है खेतों में। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि टरबाइन की प्लेट होती है, उसी पे जो है पानी गिराते हैं, जिससे जो है वो विद्युत का उत्पादन होता है, करंट का, ठीक। बाढ़ नियंत्रण, भाई अगर बांध नहीं रहता, देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है बाढ़ आ जाती है, बांध रहता है पानी को आप नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे बाढ़ नहीं आ पाती। मनोरंजन, भाई बांध और पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, पर्यटक आते हैं, आप उसमें मछली भी पाल सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं का मतलब क्या है, ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे बांध हमने बताया, बांध का पहला उद्देश्य सिंचाई, दूसरा उद्देश्य विद्युत उत्पादन, तीसरा उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, चौथा उद्देश्य मनोरंजन, पांचवा उद्देश्य मत्स्य पालन। देखिए एक नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, नर्मदा नदी पे बांध बनाया जा रहा था, उसी बांध को बना रोकने के लिए जो है वो ये आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका मुख्य कारण ये, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नर्मदा नदी पर जो है बांध को ना बनाने दे, जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। देखिए जब आप किसी नदी पर बांध बनाते हैं, तो इससे जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है उसको अफेक्ट करते, जैसे आप लोगों को पता है 3 किलोमीटर लगभग चौड़ा बांध चाइना बनाएगा, जिससे पृथ्वी की गति स्लो हो गई है, धीरे हो गई है। ये जो नदियां बह रही है, प्राकृतिक नेचर है, ये ईश्वर ने बहुत सोच समझ के बनाया, अगर आप इससे छेड़छाड़ करेंगे, बीच में बांध लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचेगा।
तो इसी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। भूमिगत जल क्या होता है, जब वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, वो जमीन के अंदर स्टोर रहता है, उसी क्या कहते हैं भूमिगत जल, भूमि जल, उसी जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है, नमी पाई जाती है, उसी क्या कहते हैं भूमिगत जल। वर्षा जल आप संचयन कैसे करेंगे, जो वर्षा होती है उसको पानी आप स्टोर कैसे करेंगे, जैसे आप राजस्थान में जानते हैं कैसे पानी का स्टोर, क्योंकि पानी बहुत कमी है तो छत पे जो है वो बड़े बड़े हौज बनवा दिए जाते हैं, ऐसे करके छत पे बड़े बड़े हौज ऐसे करके बनवा दिए जाते हैं, उसी में पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक, बारिश हुई पानी इसमें स्टोर हो जाएगा, या आप अपने खेत में अपने गाँव में गड्ढा खुदवा सकते हैं, जिसका उपयोग आप जब बारिश नहीं होगी तब आप खेत में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ठीक, अब ड्रिप सिंचाई क्या होती है, ड्रिप सिंचाई देखिए, ये ऐसे पूरा पेड़ एक नीचे पाइपलाइन बिछा देते हैं, ठीक, और उसी में थोड़ा सा मशीन लगाते हैं, ये बूंद बूंद करके टिप टिप करके ऐसे पौधा है, ऐसे बूंद बूंद करके ऐसे पौधों को ये पानी देते हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, सबसे पहले हमने पढ़ा जल संसाधन क्या है, जल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना हमें अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी का लगभग 3 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु लगभग 97% पानी समुद्र में खारे पानी के रूप में उपस्थित है, केवल 2 से 3% पानी पीने लायक है। जल दुर्लभता क्या है, पानी की कमी को ही क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता के प्रमुख कारण, नंबर एक, बढ़ती जनसंख्या ही जल की दुर्लभता का प्रमुख कारण है। नंबर दो, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, अधिक सिंचाई, बारिश का ना होना, औद्योगिक क्षेत्रों में जल की अधिक खपत। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब ऐसी परियोजनाएं जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे हमने बांध बताया, बांध का पहला उद्देश्य होता है कि सिंचाई, आपने बांध लगाया उसमें से नहरों को निकाल दिया जिससे कि आप खेत में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, इससे आप विद्युत उत्पादन करते हैं। तीसरा, बांध को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, मनोरंजन का एक साधन बन जाता है, आप इससे बिजली भी बनाते हैं, मत्स्य पालन भी आप इसमें कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, नर्मदा नदी पर बांध को बनाने से रोकने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, ये आंदोलन किया गया था। भूमिगत जल क्या होता है, ऐसा जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जब वर्षा होती है तो पानी रिस कर नीचे चला जाता है, जो पानी के जमीन के अंदर स्टोर रहता है उसी क्या कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा जल संचयन आप कैसे करेंगे, वर्षा के जल को आप संचय कैसे करेंगे, संरक्षित कैसे करेंगे, गड्ढे बनाकर, छत पे हाउस बनवाकर, आदि तमाम तरीकों से आप जो है वो जल संचयन करते हैं। ड्रिप सिंचाई क्या है, ड्रिप सिंचाई ये इसराइल से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई है, इसराइल से हमारे देश में ही सबसे पहले इसका आविष्कार इसराइल में हुआ था। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, जिससे पानी का नुकसान, पानी का लॉस कम से कम होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ठोकिएगा।